हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप एवरीबॉडी यू आर फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन यू प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ओके, एंड नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यूचर टेंस। ओके, सो फ्यूचर टेंस क्या है समझ लो पहले। दिस टेंस इज टेल्स अस अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज नॉट अकर्ड एट। मतलब ये जो टेंस है हमें ये बताने जा रहा है कि हमें वो जो क्रिया है वो अभी तक हुई ही नहीं, वो क्रिया होने वाली है भविष्य में, फ्यूचर में, एंड विल अकर आफ्टर से और इन फ्यूचर, भविष्य में ये क्रिया होगी। तो इसका फॉर्मूला ये है, रूल ये रहेगा, यस प्लस ओके विल ऑब्लिक शल, ओके विल ऑब्लिक शल प्लस वी वन प्लस ओ। ये क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसका ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से देखो। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शल इज, देखो ये शल क्या है, ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शल इज यूज विथ आई एंड वी। शल का जो प्रयोग होता है सिर्फ आई और वी के साथ ही आपको करना है। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज विथ ऑल अदर प्रोनाउंस। देयर आर सेवन पर्सनल प्रोनाउंस, हमने सेवन पर्सनल प्रोनाउंस देखे, आई यू ही शी इट दे, है ना। ये सारे जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो पर्सनल प्रोनाउंस में जो आई और वी के साथ आपको शल का प्रयोग करना है, बाकी जो दे वी यू जो बचते हैं इट इसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ओके, तो विल का प्रयोग करना है, समझ रहा है। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा आई एंड वी, इसके साथ शल का प्रयोग करना है आपको, इसको शल कहेंगे, शाल मत हो, बाकी बचे दे ओके वी सॉरी दे यू ही शी और इट के वन टू थ्री और फाइव, तो इसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। आगे समझ, देखो विल इज यूज विथ ऑल अदर्स, इसके साथ आप विल कर सकते हो। यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और वॉन्ट समवन और एक्सरसाइज समथिंग, यूज ऑफ विल ऑब्लिगेशन इज रिवर्स, विल इज यूज विथ आई एंड वी। अगर आप कहीं मतलब कमिटमेंट कर रहे हो या किसी को वर्क कर रहे हो तब ये रिवर्स हो सकता है, तब आप विल का प्रयोग आई एंड वी के साथ भी कर सकते हैं। शल इज यूज विथ अदर्स, और शल का प्रयोग हम मतलब उल्टा कर सकते हैं, शल का प्रबंधक शल का प्रयोग इनके साथ और विल का प्रयोग इनके साथ। कब, जब कमिटमेंट या कोई किसी को वार्निंग दे रहे हैं तब। ओके, सो दिस इज अबाउट शल एंड विल। ये भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, कॉपी करना है नोटबुक में और आपके दिमाग में भी कॉपी करना है। ओके, सो हम बढ़ते हैं। देखो जनरल, इन जनरल स्पीकिंग there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all। देखो वैसे माना जाए तो इसमें shall और will में कोई बहुत ज्यादा difference नहीं है, दोनों का meaning same है, लेकिन कुछ grammar मतलब नए जो पुरानी grammar के book में ऐसे रूल दिए गए हैं। ओके, इसमें तो बहुत ज्यादा difference नहीं है, will सबके साथ use किया जाता है, कर सकते हैं। ओके, so now let us use this rule in various forms of sentence। पहला पॉजिटिव है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्या रहेगा फुल स्टॉप। सो शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, अभी लिखा नहीं है, शी विल राइट अ लेटर। इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस नॉट वर्ब वी वन और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, शी विल not write a letter, okay, she will not write a letter, she won't write a letter, short form own, will not won't be used in it। Interrogative sentence, will shall plus subject
सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। ओके कंटिन्यूड एक्शन और ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर ही विल बी डिस्टर्बिंग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। मतलब वो मंदिर में कल क्या करने वाला है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है कब 12 बजे। मतलब ये कल का नियोजन है कल का प्लानिंग है ना। इन एग्जाम्पल द एक्शन स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थॉट इन द एग्जाम्पल टू कंटिन्यू टिल सम टाइम इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही खत्म होगी। ये विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock कंटिन्यू होगी फ्यूचर में है ना। प्रेजेंट में क्या होता है प्रेजेंट में अभी चल रही होगी। पास्ट में क्या होता है वो ऑलरेडी वहां पर चल मतलब कल चल रही होगी पर फ्यूचर में क्या होगा वो चलेगी। वी यूज द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस अराउंड अ टाइम इन द फ्यूचर। तो इसका फॉर्मूला है एस प्लस विल ऑपरेशन प्लस बी प्लस वर्ब वर्ब एंड प्लस आईएनजी। ओके नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स। यहां पर देखो यस प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। शी विल बी राइटिंग द लेटर। यहां पर आपको शी लगाना है विल लगाना है विल के बाद बी लगाना है राइटिंग और लेटर। शी विल बी राइटिंग द लेटर। ओके ये हो गया पॉजिटिव का। नेगेटिव का सब्जेक्ट will ऑब्लिगेशन प्लस स्मार्ट प्लस बी प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव क्या आएगा विल शैल ऑब्लिग सब्जेक्ट प्लस बी वन बी प्लस बी वन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। तो इसका एग्जांपल देखिए आप। ओके एग्जाम्पल में क्या आएगा एग्जाम्पल में आएगा विल शी बी राइटिंग अ लेटर विल शी बी राइटिंग अ लेटर। ओके इंटरोगेटिव नेगेटिव विल ऑब्लिगेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ओके ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल हैपन अकर इन फ्यूचर जो भविष्य में होने वाली है एंड विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर और फ्यूचर में वो खत्म भी हो। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो इसका जो रूल है यहाँ पर आप देख लो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। ओके तो यहाँ पर देख लो लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव आएगा यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिगेशन प्लस हैव प्लस वी थ्री यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वी थ्री ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ओके शी विल हैव रिटन अ लेटर शी विल हैव रिटन अ लेटर ये फ्यूचर परफेक्ट है। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वी विल ऑब्लिगेशन प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ओके ये हो गया नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव का शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव रिटन अ लेटर विल शी हैव रिटन अ लेटर
इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस विच शैल हैव सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्वेश्चन एग्जांपल देगा, विल शी नॉट, विल शी नॉट, विल शी नॉट, विल शी नॉट हैव अ रिटन लेटर, विल शी नॉट हैव अ रिटन लेटर। सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी एक जो है आखिरी बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके ओर बढ़ते हैं हम। तो देख लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। It is used to talk about action that will commence a fixed time. अब ये future में fixed time पर start होने वाली है in future and will continue for some time in future. Future में ही वो क्या होगी, वो continue भी होगी। If there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. अगर आपको कोई time reference नहीं दिया गया है इसको, हम future perfect continuous tense नहीं कहेंगे। Without continue time reference, such sentences are future. Continuous tense, continuity time reference only differentiate between future continuous tense and future perfect continuous tense. The future perfect progressive exercise, अभी ये future perfect continuous भी कहते हैं और future perfect progressive aspect भी कहते हैं। Future perfect progressive aspect emphasize the duration of activity that will be in progress before another time or event in the future. For example, this time tomorrow, I will be enjoying the cricket match in the stadium. This time tomorrow, is available, I will be enjoying the cricket match in stadium. It is also used to talk about the plan action. जो plan की वाली जो actions होती है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। They will be same for a weeks. Okay. Next one, the future perfect progressive emphasize the duration of activity that will be in the progress before another time or event in the future. अब इसका रूल देखेंगे और इसके different formulas हम देखेंगे। Okay. देखो पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वी ऑब्जेक्शन प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर यस प्लस वी ऑब्जेक्शन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वी वन प्लस आईएनजी प्लस ओ और फुल स्टॉप She will have been writing a letter. Negative में क्या आएगा, subject plus will operation plus not plus have been plus be been plus ing plus object plus full stop. She will not have been writing a letter. Okay? She will not have been writing a letter. Interrogative में will operation, subject, have been, be been, ing, object and question mark. Will she have been writing a letter? Will she have been writing a letter? Interrogative में क्या आएगा? Will objection plus subject plus not plus have been plus be been plus ing plus object plus question mark. Okay, question mark interrogative में आता है. Will shall not have been writing a letter. Okay, so this is about the future perfect continuous tense. Okay, तो हमने सारे जो टेंस है, present tense हमने देखा, past tense देखा, future tense देखा। Present tense में चार होते हैं, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense. Simple future tense, simple present tense में भी हमने चार उसके formula देखे, affirmative देखा, यानी positive, negative देखा, interrogative देखा और interrogative का negative भी देखा। तो ऐसे कुल मिला के कितने हो गए, आई थिंक देर आर 36 फॉर्मूलाज आ गए, टोटल 36 फॉर्मूलाज होते हैं। वो सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आपके नोटबुक में कॉपी करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टेंस
ओके, थैंक यू।